अदिति जायका में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड रोल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए होगा 7 से 8 आलू, जिसे मैंने पहले से उबाल के रखा है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच नमक और थोड़ी सी फ्रोज़न मटर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 प्याज जिसे मैंने पहले से बारीक कट कर लिया है, गार्निश के लिए धनिया पत्ती और 7 से 8 ब्रेड की स्लाइस और थोड़ी सी सूजी। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो आलू छील के रखे हैं उसे हम मैश कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की ओर। गैस के ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल, इसे गर्म होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा जीरा, जो प्याज काट के रखा है, प्याज को गुलाबी होने तक भूनेंगे। इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और मटर। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। इसमें डालूंगी मैश किए हुए आलू। हम डालेंगे नमक, गरम मसाला, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना।
हमारा मसाला अच्छी तरह के से भुन चुका है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती, इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार है, इसे 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब हम रोल्स बना लेते हैं। इसके लिए हम ब्रेड का एक पीस लेंगे और जो ये इसका किनारे का हिस्सा है इसे निकाल देंगे। ये देखिए, ऐसे ही मैंने 7-8 ब्रेड के स्लाइसेस किनारे से निकाल दिए। हम एक ब्रेड का पीस लेंगे, इसे पानी में डुबाएंगे और अपने हाथों से दबाते हुए पानी निकाल देंगे। एक चम्मच स्टफिंग लेंगे और इसे मोड़ते हुए फिर गोल कर देंगे। और जो प्लेट में मैंने सूजी ली है इसको चारों ओर से कोटेड कर देंगे। सूजी को कोटेड करने से हमारे रोल्स क्रिस्पी बनेंगे। हम ब्रेड की दूसरी स्लाइस लेंगे, इसे भी ऐसे ही पानी में डाल के निकाल लेंगे। इसे तुरंत डालना और तुरंत निकालना है। एक चम्मच स्टफिंग भरेंगे, इसे मोड़ते हुए गोल कर लें। आपको जिस शेप का बनाना है उस शेप का बना सकते हैं। मैंने सारे रोल्स बना लिए हैं, अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पे मैंने पहले ही कढ़ाई चढ़ा के रखी है जिसमें इसे डीप फ्राई करने के लिए तेल डाल दिया है। गैस ऑन करेंगे और तेल गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं हम थोड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा डाल के देखेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपने रोल्स डालेंगे।
इसे हमें हाई फ्लेम पे डालना है। चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। गर्मा गर्म ब्रेड रोल्स तैयार हैं। बारिश के दिनों में गर्मा गर्म ब्रेड रोल्स खाइए और बारिश का मजा लीजिए। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर ख़राब बनी हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं और आगे अच्छा करने की कोशिश करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।